बस वो एक ही चीज़ छीनी है, पर बहुत पास वाली चीज़ छीनी। वो क्या, अगर देख मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, नाम ले सकते हैं? हाँ शो नाम ले सकते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड थी ज़ारा, बस वही हुआ। ठीक हूँ, मतलब यार तुम वो क्यूट लग रहे थे, तू जब मिलने भी गया था तेरी फोटो देखी थी। हाँ, हम लोग का काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था और काफ़ी डीप था चीज़ें, और लेटर मतलब होता ना कि एक पॉइंट का आदमी रिलेटेड हो जाता है कोई चीज़ अगर बार बार आप करोगे तो। क्या हुआ था? मतलब वही इंडियन ऑडियंस आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो मुझे कुछ बोल, अगर उन लोग अगर मेरे से उनको कुछ प्रॉब्लम था तो उन लोग मुझे स्पैम कर दे, पर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो उन लोग सीधा टारगेट कर दिए मेरी गर्लफ्रेंड को। तो लाइक दे स्टार्टेड स्पैमिंग टू हर, हद से ज़्यादा। मतलब एक टाइम पर अगर आदमी को 100 मैसेज आकर चलता है रोज के, 1000 से 2000 मैसेज पर गालियाँ पड़ रही, और मेरी बंदी बाहर की तो वो ट्रांसलेट कर देती थी गालियाँ को हिंदी, गूगल ट्रांसलेट से हिंदी से इंग्लिश, तो उसका मीनिंग बहुत ख़राब हो जाता था। तो वो एक पर्सनल को डीमोटिवेट बहुत करता था, और बहुत सब बहुत घिनौनी चीज़ें वो सोचने। दिस इज़ रॉन्ग मैम, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन ना ना भी उसको मैसेज करना बनता था, आई डोंट सी वैलिड। हाँ तो वही अब क्या कर सकते, जो होना तो हो चुका है, तो बाद में वही हम लोग ने डिसाइड किया कि इस चीज़ का, मैं अगर उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा था, मैं ये नहीं चाहता कोई चीज़ को मैं लंबा खींचूँ जिससे मेरे चक्कर में मेरे जो क्लोज इंसान है, सबसे क्लोज है, उसको खराब कर दूँ प्रॉब्लम। थोड़ा बुरा लगा समझो, मतलब मैं अगर मैं होता इस जगह पे तो मुझे समझ नहीं आता मेरी तो गलती नहीं है। वो तो मैं गुजरा उस चीज़ से, मैं चौबे को पता, मैं बताया ना चौबे का ऐसा इंसान है जिसको अपने लाइफ का हर चीज़ पता है, तो इस पॉइंट में से मैं एक ही इंसान से बात करता हूँ, वो है चौबे। समीर से मैं पूरा टाइम बात करता था इसी बारे में, समीर को मेरी हर एक चीज़ पता है, तो जो मैं फील करता हूँ वो समीर फील किया है, और कहीं ना कहीं समीर और मैं एक ही बोट पे अलग अलग टाइम पे रह चुके हैं। मतलब तुम देख रहे हो ना, ये स्काउट का ये इमोशनल चेहरा भी, ये कभी देखने को मिलेगा नहीं शायद।